Hi, my name is Shekhar and she's my wife Neha and she's a cute daughter. Her name is Tia now. Vridhi. Actually, we got the name Vridhi, but हमने Tia इसका nickname रख दिया. So we are very happy and I just want के नेहा आपको बताएगी कि उसका experience क्योंकि मुझसे ज़्यादा है उसका experience है यहाँ पे. So she will tell you. मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी अगस्त 2020 में यहाँ डिलीवरी हुई थी. सो जब मैंने कंसीव किया तो मैंने उससे सजेशन मांगी कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट रहेगा. सो उसने मुझे यहाँ का सजेशन दिया और उसके कहने पे मैं यहाँ पे आई थी. जस्ट मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी. तो जब हम यहाँ आए हमने उसने मुझे डॉक्टर का नाम भी बताया था, डॉक्टर एकादी गुप्ता. तो जब हम उनसे मिले और उन्होंने हमें जैसे सारा कुछ समझाया जो भी बात की और उनका मतलब इतना फ्रेंडली नेचर था और इतना कूल लगा उनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ, तो बहुत एक कंफर्ट बन गया था उनके साथ. तो मैंने डिसाइड उसी दिन कर लिया था कि हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम डिलीवरी तक यहीं पर जाएंगे. सो मेरा ऑलमोस्ट पूरा 8 months का जो था, फर्स्ट मंथ में हम यहाँ आए थे, तो 8 months तक का मेरा सारा ट्रीटमेंट जो भी था सब कुछ कंसल्टेशन मेरा यहीं पर हुआ. और फाइनली 31st मई को हमारा मेरी यहाँ डिलीवरी हुई और ये वृद्धि हमारे पास आई और मेरा सी सेक्शन हुआ. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और स्पेशली यहाँ का जो स्टाफ भी है, सिर्फ डॉक्टर नहीं, जो यहाँ के स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, या जो क्लीनिंग के लिए आते हैं कैंटीन में जो भी हैं, और डाइटिशियंस वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा है. इतना फ्रेंडली है, मतलब केयर आपको ऐसी मिलती है कि लाइक मदर्स जैसे केयर करती हैं, यहाँ का स्टाफ वैसे केयर करता है. सो मेरा पर्सनली बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं किसी को भी रिकमेंड करूँगी तो मैं यहीं का रिकमेंडेशन दूँगी. और इन फ्यूचर अगर मैं कभी सेकेंड बेबी के लिए प्लान करूँगी तो मैं ऑब्वियसली यहीं आऊँगी. तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस टाइम पे जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, हमेशा थोड़ा टेंशन रहती है कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, बहुत भागना भी पड़ता है. सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेशली ये देखी कि हर चीज़ का जो टाइम फिक्स किया गया था उस टाइम के ऊपर हमें सब कुछ मिलता रहा. डॉक्टर्स नर्सेज का जो चेकअप का टाइम था या फिर ट्रीटमेंट का टाइम था, लाइक इंजेक्शन देने हैं, ग्लूकोज देना है या बेबी को फीड करना है, सो उसके लिए हमें किसी को खास तौर पर जाके बुलाना नहीं पड़ा. सबको अपना टाइम पता होता था और सब अपने टाइम पे आते थे. थैंक यू सो मच हीलिंग एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स.